देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। आज विजयादशमी है, आम बोलचाल की भाषा में इसे दशहरा भी कहा जाता है। इसी दिन भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया था, इसलिए इस पर्व को असत्य पर सत्य, अन्याय पर न्याय और अज्ञान पर ज्ञान और क्रोध पर क्षमा का पर्व भी कहा जाता है। रावण के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ज्ञानी था, लेकिन उसका अहंकार, उसके पतन और बुद्ध की वजह बना देश भर में रावण के पुतलों का दहन बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर किया जाता है। इसी दिन माँ दुर्गा महिषासुर नाम के राक्षस का वध किया था। महिषासुर को भी अपनी शक्ति का अहंकार था और वो देवताओं के लिए खतरा बन चुका था। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं मेले का भी आयोजन किया गया। दशहरे पर रावण का पुतला फूंका गया और इस मेले में लगभग 25,000 लोगों की संख्या में पुरुष और महिलाएं मौजूद रही। पुलिस बल द्वारा बड़ी मुश्किल से इस भीड़ पर काबू पाया गया। यूपी क्राइम न्यूज के लिए संवाददाता खन्ना सैनी की रिपोर्ट। देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।